बोला ब्योल इसमें डालो, मही गिर की बहुत गरीब। मेरी मैसेज यही है सब लोगों के लिए, आज जो था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है आज। कश्मीर ब्यूटी ट्रांसेंड्स द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स राइटर्स एंड स्टोरीटेलर्स। मुझे बोले कि आज से 10 साल पहले कैसा था ये डल हमारा, हाँ कैसा था और इस पे क्या असर पड़ गया, जो इसमें मछलियाँ थी आज से 10 साल पहले तो इस पे क्या असर पड़ गया है। इसमें बहुत असर पड़ता है, इसमें झील में मछली कुछ नहीं, हाँ इसके सबकी पानी लगाएगा गवर्नमेंट, इस जहलम का ड्रेन झील का, हाँ लगाएगा ड्रेन में बहुत मुसीबत आएगा महीगिर का, महीगिर का कोई ओस का मिलना नहीं। इससे मछलियाँ भी कम हो गई, मछली बहुत कम गया, इतना आदमी का इन्फेक्शन पानी हो गया, माल हाँ। नहीं आएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसको बचाने के लिए? बचाने के लिए इसका ब्योल ट्रावना गवर्नमेंट की बोला ब्योल इसके ट्रावो महीगिर गवर्नमेंट की बोला ब्योल इसमें डालो, महीगिर की बहुत गरीब है, ये ड्रेन की खत्म करो, ड्रेन में इसमें मत डालो। और लाख लाख शुक्र इसका बच्चा गरीब इसका बाल बच्चा छोटा है उसका क्या खाएगा, उसका रोज का ओज का खत्म हो जाएगा, इसका बेचारा आज की ओज का नहीं है, 1 किलो 1.5 किलो मछली बन गया रात के लिए दिन में, उसका बन गया 200 रुपया, उसका गवर्नमेंट के क्या दिएगा राशन, इसका खाना क्या खाएगा, डॉक्टर क्या दिएगा, हकीम क्या दिएगा, मछली वाला का बहुत लाचारी आएगा, मिस्किन सबकी ड्रेन लगाएगा गवर्नमेंट के झील में राशन भरता, मगर इसका बेचारा कोई मदद नहीं है, कोई मदद नहीं है, जगाओ क्या मदद करेगा गवर्नमेंट बेचारा, गवर्नमेंट के महीगिर का कुछ मदद नहीं। Pollution has mired not just the water of the lake but is threatening its very existence from indiscriminate waste disposal and encroachments to grow of weeds. The destruction of the lake is spread over several years. This is a Herculean task. We understand that this lake cannot be reclaimed in its entirety, but we can at least save it from further encroachments and slow death. मेरी मैसेज यही है सब लोगों के लिए, आज जो था एनवायरमेंटल डे था वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें अपना पर्सनल हाइजीन जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, जो हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है उसको हमें साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से कोई नहीं आएगा वो साफ़ करने, तो हमारी ये अहम जिम्मेवारी बनती है हम अपना जो इर्द गिर्द है वो साफ़ करें। और मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जैसा कि विदाउट हेलमेट हमें चालान पड़ता है, वैसे ही जब कभी हम पिकनिक स्पॉट्स पे जाते हैं या कभी भी नेचुरल जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, जंक फूड्स जो मोस्टली हम खाते हैं वहाँ पे, उसका थ्रैश जो होता है वो वहाँ पे फेंकते हैं। तो इस पे कोई कदम उठाए, लोगों में अवेयरनेस फैलाए कि इस पे हाँ ज़रूर कोई जुर्माना करना ही चाहिए, ताकि लोग सुधर जाए और हमारा माहौल बच जाए और हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो बच सके और हम सब अच्छे से रह पाए। तो ये मेरी मैसेज थी आज की। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है आज, तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि साफ़ सफाई रखें हर एक जगह अपने इर्द गिर्द, और जो आने वाली जनरेशन है उन पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, थैंक यू।